एक प्रेमी ने संत महापुरुषों से कहा कि 20 वर्ष बीत गए भक्ति करते हुए, परंतु भगवान ने एक पुत्र नहीं दिया। संत महापुरुषों ने उस प्रेमी से कहा कि 20 वर्ष पुत्र के लिए भक्ति की है और पुत्र प्राप्ति से वंचित रह गए। अब केवल एक वर्ष उस अभिलाषा को त्याग कर सच्चे मन से केवल भगवान की भक्ति करो तो सभी कामनाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाएंगी। फल की इच्छा को त्याग, पूर्ण मन और तन से कार्य में संलग्न हो जाना ही सफलता की चाबी होती है। जो सद्गुरु की सेवा या प्रार्थना में प्रेम से पूर्ण मन लगाएगा तो उसका मन प्रेम विहीन सेवा या प्रार्थना से हजार क्या लाख गुना अधिक निकलेगा। माया असत्य है और भक्ति है सत्य। यदि असत्य का आश्रय लोगे तो धोखा खाओगे और सत्य का आश्रय लोगे तो बाल भी बाका न होगा। तुम्हारी छाया तुम्हारे साथ अवश्य रहेंगी, परंतु सोचना केवल ये है कि वह तुम्हारे पीछे है या तुम उसके पीछे हो। यदि उसे पकड़ने का प्रयत्न करोगे तो वह आगे आगे भागेंगी, और यदि उसकी ओर पीठ करोगे तो वह तुम्हारे पीछे पीछे चली आएंगी। यही हाल माया का है। संसारिक वस्तुओं के बिना शारीरिक निर्वाह भी असंभव है, परंतु अंतर केवल इतना है कि एक के जीवन का उद्देश्य ही संसारिक पदार्थ एकत्रित करना है और ये पदार्थ उन्हें साथ नहीं देते। वे इस लोक में भी खाली रहते हैं और परलोक में भी खाली रहते हैं। और दूसरे का उद्देश्य केवल मालिक की भक्ति करना होता है। फिर ये जो संसारिक पदार्थ हैं उनके पीछे पीछे स्वयं ही चले आते हैं। जैसे एक लोहे का टुकड़ा होता है, वो चुंबक के स्पर्श करने से उसमें एक आकर्षण शक्ति आ जाती है। ठीक वैसे ही जो साधारण इंसान होते हैं वो अगर स्वयं को नाम से संबंधित कर देते हैं तो उनमें एक प्रकार की प्राकृतिक आकर्षण शक्ति पैदा होती है, जिसके फलस्वरूप सभी संसारिक पदार्थ और लोग वहाँ स्वतः ही चले आते हैं। कई लोग शारीरिक मोह को प्रेम का नाम देकर स्वयं को ठगते हैं। ये शुद्ध प्रेम नहीं है। शुद्ध प्रेम तो वो है जिससे आत्मिक उन्नति हो और सुरती सदगुरु के चरणों में लीन हो। संत सदगुरु अपने जीवन का एक एक पल व्यस्त रहकर हमें यही शिक्षा देते हैं कि तुम भी सदैव व्यस्त रहो तो बेकारी का विषैला सर्प तुम्हें डंक नहीं मार पाएगा। संत महापुरुषों ने अपने जीवन में सर्दी गर्मी सहन करके जंगलों में रहकर कष्टों को झेलकर हमें सिखाया है कि आराम तलबी और नजाकत रूपी इन भूतों से स्वयं को बचाओ। प्रेमियों, मालिक की सेवा और सुमिरन करना अपना प्रमुख धर्म समझो और तुम्हारी ये प्रकृति बन जाए कि उसके बिना तुम रह न सको। मान मिले या अपमान मिले उसकी परवाह और उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, क्योंकि सद्गुरु जैसा परोपकारी तीनों लोकों में अन्य कोई भी नहीं है। वे जीव को भिखारी से राजा बना देते हैं, मतलब उसकी सुरती को शब्द से जोड़कर उसकी तमाम इच्छाएं मिटा देते हैं। उससे सेवक की ऐसी तृप्ति हो जाती है जिससे कि उसमें कोई भी तृष्णा बाकी नहीं रहती। मालिक के ये वचन है कि जितनी अधिक कामनाएं बढ़ाओगे उतना अधिक दुखी और अशांत रहोगे। सद्गुरु से तुम्हें सच्चे धन की उपलब्धि हो सकती है। उनसे यदि झूठा धन प्राप्त करने का यत्न करते हो तो स्वयं को हानि की तरफ ले जा रहे हो, क्योंकि क्षणभंगुर सुखों के लिए स्थायी सुखों को ठुकराना ये तो मूर्खता है। इसलिए तुम नित्य प्रति श्री सद्गुरुदेव जी के श्री चरणों में श्रद्धा सहित यही विनती करो कि हे प्रभु, मुझ बुद्धिहीन को विवेक शक्ति प्रदान कीजिए ताकि मैं सत्य और असत्य की परख कर सकूं। हे प्रेम की साक्षात प्रतिमा श्री सद्गुरु दयाल जी, आपके गुण मैं हजार मुख से भी नहीं गा सकता, क्योंकि आपने ही मुझ निर्बल को प्रेम देकर रूहानी शक्ति प्रदान की। सांसारिक मोह काटा, मैं अपने बल से तो इसे कई जन्मों में भी नहीं काट सकता। आपने तो जन्मों का कार्य दिनों में कर दिखाया। मुझ में सहनशीलता बिल्कुल भी नहीं थी। कोई एक अक्षर कम अधिक कहता तो उसे 10 सुनाता था।
आपने अब ऐसा बना दिया कि कई शब्द सुने अनसुने कर देता हूँ। पहले जो कठिनाई मुझे एक रुपया व्यय करने में होती थी, वह अब हजारों के व्यय से भी नहीं होती, क्योंकि पहले ममता ही मुझे दुखी करती थी। अब आपने ममता से निकाल कर समता में बदल दिया। मैं आपके किस मुख से गुण गाऊं? राजाओं को राजपाट में भी ऐसा स्थायी सुख उपलब्ध न हुआ जो आपके श्री चरणों में प्राप्त हुआ। पांच विकार जिन्होंने समस्त संसार को परेशान किया है, आपने मेरे हृदय में अपना पावन प्रेम बसाकर उनके दुखद प्रभाव को कम किया, मुझ पर अत्यंत उपकार किया। मैं उसके बदले कुछ भी नहीं दे सकता। आपने मेरे विषैले जीवन को अमृतमय बनाया। आपने मेरा संपूर्ण बोझ उतारकर जीवन सुखरूप बना दिया। आपने ही इस निर्बल शरीर से इतना काम लिया जो बड़े बड़े शक्ति वाले भी न कर सके। मैं आप पर सर्वस्व नौशावर कर दूं। आप धन्य है प्रभु, धन्य है। यदि मुझसे कुछ हो सकता तो पहले भी करता, जब आपकी शरण प्राप्त नहीं हुई थी। पहले जो एक रति दर्द सहना कठिन लगता था, अब मनों की परवाह नहीं। यह सब आपकी शक्ति का ही प्रभाव है। मुझ में रखा ही क्या था प्रभु, आपने ही तो मुझ में बैठकर मुझको सहारा दिया और नाम मेरा करवाया, क्योंकि आदि से आपको सेवक की बड़ाई अच्छी लगती है। आपने स्वयं ही शबरी की शान को बढ़ाया। हे मालिक, मुझ पर दया करो। मैं अपने सुखों और विचारों को एक ओर रखकर आपके प्रेमियों को सुख दूं। इस मार्ग में मैं बिल्कुल ही कमजोर हूं, दिन में कई बार गिरता हूं। आप ही इस निर्बल के बल हैं। मुझे आप पर ही भरोसा है प्रभु कि मुझ पर निजी दया करके समय समय पर सजग करके मुझसे वही कर्म कराओगे जो आपको अच्छे लगेंगे। मैं ऐसी वाणी बोलूं जो आपको प्रिय लगे। हे प्रभु, प्राय ऐसा देखने में आता है कि जिनको आपने अधिक सुख और आराम एवं मान दिए हैं, वे आपको ही बुलाकर सुखों में मग्न हो गए हैं। ये भूल गए हैं कि सब सुख आपकी कृपा से ही प्राप्त हुए हैं। उनको देखकर ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि जो सुख आपसे दूर करते हो, उनसे मुंह मोड़ लेना ही अच्छा है। हे प्रभु, आप मुझे मन से लड़ने के लिए कमर बांध कर रहने के लिए फरमाते हैं, लेकिन ये मन ऐसा शत्रु है जिस पर विजय पाना कोई आसान कार्य नहीं है। इसके पास तो अनंत सेना है। जिस जिस को भी इसने उठाकर फेंका है, वे तो उठ भी नहीं सके, अधमरे होकर सांस ले रहे हैं। थोड़ा सिर ऊपर करते हैं तो पुनः मुंह पर ऐसी चपत लगाता है कि उठना भी कठिन हो जाता है। उनकी ऐसी दशा देखकर मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि मुझ पर सदैव प्रतिपल आपकी कृपा का हाथ रहे, ताकि मैं इस मन शत्रु से बच सकूँ। हे करुणा के सागर श्री सद्गुरुदेव, मैं आपकी बड़ाई किन शब्दों में लिखूँ? आप तो असीम दयालु हैं और उन पर भी कृपा करते हैं जो आपकी महिमा को भूले हुए हैं। हे मेरे कृपालु प्रभु, मैंने जब से आपकी चरण शरण ग्रहण की है और आपके चरणों में सब कुछ अर्पित किया है, तब से मैं इतना सुखी हो गया हूँ कि न मुझे खाने की चिंता है, न रहने की फिक्र और ना ही किसी और प्रकार की चिंता है। परिणाम ये है कि मेरा मन हर समय प्रफुल्लित रहता है। ये सब आपकी कृपा का फल है। इस दास की ये प्रार्थना है कि आपकी ये कृपा सदैव मुझ पर बनी रहे। हे मेरे सतगुरु, मैं आपके श्री चरणों में नम्रता से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपना सच्चा सेवक बनाइए, क्योंकि मैंने सुना, देखा और पढ़ा भी है कि आपको सेवक सर्वाधिक प्रिय है। आप संसारिक पदार्थ, सम्मान और पदवी तो पापियों को भी देते हैं, परंतु अपने चरण कमलों की भक्ति, प्रेम और विश्वास रूपी अमूल्य रत्न अपने सेवकों के लिए गुप्त रखते हैं, और ये कृपा प्राप्त कर सेवक अमृत पी पी कर सदा तृप्त होते रहते हैं। हे दयावान प्रभु, मुझे सुमति प्रदान करिए। मैं सदैव ऐसा बोलूं जैसा आपको प्रिय लगे। जो आप चाहें
मैं वह अत्यंत प्रसन्नता से करूं।